मरने के बाद किससे मिलने जाओगे मेरे भाई? आपसे मैं पूछता हूं, कौन मिलेगा मरने के बाद? लोगों की ना जाने परंपरा कहां से आ गई कि कहीं किसी की मृत्यु हो गई, पूरा मोहल्ला जाता है, बैठता है, क्या करते हो वहां जाकर के? कोरे उपदेश करके आ जाते हो, मत रो, ये तो चलता ही है, ये तो दुनिया है, ये तो संसार है। आज बड़े ज्ञानी होके समझा रहे, कल घर में लाश उठेगी, वो आएगा तुमको समझाने के लिए। वाह रे दुनिया के तमाशे, रीति रिवाज। अरे मरने के बाद किसी के घर जाते हो, मैं आपसे कहता हूं कि मरने के बाद मिलने जाओगे तो वो मिलेगा ही नहीं। अरे जब तक मिल रहा है तब तक जाके मिले आओ, तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी, सफल हो जाएगी। मरने पे जाते हो, जीते जी नहीं जाते हो। अटल जी गए, पूरा देश जब तक जीते रहे किसी ने पलट के नहीं देखा। विचार करिए, राजनीति तो देखो, सारे लोग जा रहे, फूल ले लेके जा रहे हैं, जब चले गए तो फूल चढ़ा रहे हो, गुलदस्ते भेंट हो रहे हैं, विदेशों के नेता आ रहे हैं। वाह रे जमाना, जीते जी किसी ने दवाई को नहीं पूछा, उनको ध्यान रखिए। वाह रे दुनिया के रीति रिवाज, कैसी जिंदगी है ये? जीते जी पूछ लेते तब कहां गए थे लोग, अब तो पूरा नाटक ड्रामा चल रहा है, ध्यान रखिए। मानने वाले मरने के बाद पूछने जाते हो, जीते जी कोई नहीं पूछता है। मरने के बाद उससे माफी मांगते हो, अरे पागल, जब लड़ा था झगड़ा था जी रहा था तभी माफी मांग लेता तो वो भी शांति से जाता और तू भी शांति से अपनी जिंदगी जीता। मरने के बाद क्षमा करना, भगवान इसकी आत्मा को शांति देना। मरने के बाद जीते जी तो तूने ये शांति दी थी उनको, ध्यान रखिए। जीते जी शांति दे दो। मरने के बाद दो शब्द बोलोगे श्रद्धांजलि में, जब बेचारा सुनने लायक नहीं बचा है। ये फूल जैसे झर रहे हैं मरने के बाद, जीते जी झरा देते तो आदमी कितने सुकून से दुनिया से विदा होता। मेरे भाई सोचना है आपको, मरने के बाद आदमी सोचता है काश हम भी उसके साथ रहते, उसके साथ वक्त बिताते, कितना अच्छा आदमी था। वो जब सामने था तो मुंह घुमा के चले जाते, समझ नहीं आती दुनिया की रस्में रीति रिवाज, कुछ पल्ले नहीं पड़ता है मेरे तो। अरे इंतजार मत करो किसी के मरने का, जीते जी पूछो। जीते जी बाप के लिए एक शर्ट नहीं लाते हो, एक पैंट का कपड़ा नहीं लाते हो, मरने के बाद कफन लेने जाते हो नया बिल्कुल कोरा। अरे जीते जी ले आता दो कपड़े तो बेचारा शांति से तो रहता। अरे मरने के बाद श्राद्ध और तर्पण करते हो, जीते जी उसकी थाली में दो रोटियां प्यार से रखते ना, इन तर्पण की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। मरने के बाद फूल चढ़ाने वालों उसकी फोटो पे माला डलती है, जीते जी तो सूल चुभाते रहे, क्या जिंदगी है ये हमारी। मानने वाले इस दुनिया में, भारत में क्या पूरी दुनिया में, जहां तक मैं सोचता हूं ये पूरी दुनिया मुर्दों की पुजारी हो गई है। हर कोई मुर्दों को पूछता है, जिंदों को पूछता ही नहीं है। जो कल तक निकृष्ट था मरने के बाद महान हो जाता है, ध्यान रखिए। कैसी दुनिया है ये सोचना है। एक बार एक सेठ दुकान पे बैठा था, सामान तोल रहा था, किराने की दुकान थी। जैसे ही सेठ ने तराजू पे सामान रखा उसके तो होश उड़ गए, उसकी दुकान पे यमराज आ गए। उसने कहा अरे दादाजी अंकल जी तुम यहां कैसे आ गए? बोले बस बेटा आ गए तो आ गए। बोले हाथ जोड़ रहा हूं, पैर पड़ रहा हूं, थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए। अरे यमराज ने कहा घबरा मत, मैं कोई तुझे लेने थोड़ी आ। अरे बोले लेने नहीं आए। बोले नहीं आइए बैठिए, स्वागत है। क्या लेंगे, ठंडा लेंगे गर्म लेंगे? ध्यान रखना जब आप अपनी दुकान की उधारी लेने जाते हो, ध्यान रखना उधार पे तो व्यापार चलता है ना जितेंद्र सर, जब लेने जाते हो किसी कस्टमर के यहाँ कि मेरी उधारी का पैसा दे दे, यदि वो चाय पिलाए दूध पिलाए ठंडा मीठा गरम पूछे तो समझ लेना कि आज यही हाथ लगेगा, रुपया तो मिलने वाले है नहीं। बाकी जिसको देना है वो झटपट देता और आगे बढ़ाता है। जैसे ही उस सेठ ने सुना कि यमराज लेने नहीं आए, आइए स्वागत है आइए बैठिए। यमराज ने कहा देख मैं तुझे लेने नहीं आया हूं, तो फिर क्यों आए मेरी दुकान पे अचानक आधम के तुम? मेरे चार कस्टमर भग गए तुमको देख करके।
कष्ट से ही मर गए वो तो आधे। तो बोले आए क्यों तुम अचानक, अभी तो मेरी बोहनी बट्टा भी नहीं हुआ, अभी दुकान खोली है मैंने। यमराज ने कहा तू घबरा मत यार, मैं आ गया। बोले क्यों आ गया? बोले देख भाई, इस दुनिया में मेरा कोई मित्र नहीं, यमराज से दोस्ती कौन करेगा, कोई दोस्त नहीं है, मैं अलग थलग पड़ गया हूँ, अकेला जीवन जीता हूँ, कोई मेरे से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, कोई मेरे पास बैठने को तैयार नहीं है। यार मेरा भी मन करता है कि मेरे भी कोई दोस्त हो, फ्रेंड सर्किल हो, हम भी फेसबुक चलाएं, हमारा भी तो मन करता है, हम भी व्हाट्सएप पे आ जाएं। कौन बोला इंस्टाग्राम पे आ जाओ, ध्यान रखिए। बोले हमारी भी इच्छा होती है, हम अकेले कब तक जिएंगे इस धरती पर। तो सेठ ने कहा मामला क्या है? बोले मैं तुझे लेने नहीं आया हूँ, मैं तुझसे दोस्ती करने आया हूँ। दोस्ती करने? अब सेठ भी बड़ा होशियार था, बोले दोस्ती करे और घाटा लगा। बोले क्या मतलब? बोले देखो यमराज भाई, दोस्ती तो बोले तू करेगा या नहीं। अब सेठ कह भी नहीं सकता कि नहीं करूं, नहीं बोला और गला पकड़ा कि चल। अब मौत की दोस्ती, जी का जंजाल। हाँ बोले तो मरे, ना बोले तो मरे। उसने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, यमराज कह रहे दोस्ती, हाथ मिला। अरे बोले हाथ नहीं, दूर से हाथ मात नहीं मिलाऊंगा, हाथ पकड़ा और ले गए तो। अरे बोले तू चिंता मत कर यार, मैं तुझे नहीं ले जाऊंगा, पक्का नहीं ले जाऊंगा। तो बोले कि सेठ फिर एक काम करो, दोस्ती पक्की समझे। अब ना भी बोलते नहीं बन रहा, उसने बड़ी दबी आवाज में कहा आरजू खुदा से करो बंदे से नहीं, ध्यान रखना। सेठ ने कहा यमराज भाई दोस्ती तो कर लूंगा, फायदा क्या होगा, आजकल दोस्ती भी फायदे पे होती मेरे भाई, नुकसान फायदा देखा जाता है दोस्तियों में। माँ बाप के पास दौलत है तो बच्चा बुढ़ापे में पूछता है, और दौलत ना हो तो बच्चे भी इज्जत करने को तैयार नहीं रहा करते हैं, ध्यान रखिए। उसने कहा मुझे फायदा क्या होगा? तो यमराज ने कहा फायदा क्या यार, दोस्ती तो निस्वार्थ होती है। एक माँ बेटे को इसलिए चाहती है, बेटी को इसलिए नहीं चाहती है कि ये बेटी होगी तो पराया धन है, और जिस दिन जवान होकर के उसका विवाह करेंगे उस दिन मोटा दहेज हमें उसकी शादी में देना पड़ेगा। एक दहेज ऐसा अभिशाप है समाज के भीतर, ऐसा दहेज में आकर के बैठ गया है, ये दहेज का राक्षस ऐसा राक्षस है जो महिलाओं को बालिकाओं को अपने सिकंजे में कसते चला जा रहा है। और आज यदि सबसे ज्यादा हत्याएं नारी की बालिकाओं की हो रही है, और आज सबसे ज्यादा यदि गर्भपात हो रहा है, उसमें दहेज जैसा भी एक अभिशाप इस समाज के अंदर व्याप्त है। एक गरीब सोचता है मेरे घर लड़की हो गई तो मातम मनाता है वो कि एक कर्ज आ गया मेरे जीवन में, आज मुझे इतना पैसा जोड़ना पड़ेगा तब बेटी के हाथ पीले हो पाई। नहीं मेरे भाई, दहेज एक बहुत बड़ा अभिशाप है। मालूम है नारी बड़ी पूज्य हुआ करती है, जैन धर्म कहता है, जैन दर्शन कहता है कि जब यही नारी सांसारिक प्रपंचों को छोड़ करके घर गृहस्थी का त्याग करके यदि आरिका और साध्वी का रूप ले लिया करती है तो यही दोयम दर्जा पाने वाली नारी पुरुषों के द्वारा भी वंदनीय हो जाया करती है, और बड़े बड़े राजा महाराजा भी उसे अपना शीश झुका। नारी अपनी शक्ति को पहचाने, नारी अपने को शोषित ना करे। एक सास बहु को प्रताड़ित करती है, इसलिए प्रताड़ित करती है कि वह दहेज में रुपया कम लेकर के आई है। लड़की के माँ बाप को उलाहना मिलता है, उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है, बहू को जिंदा जला दिया जाता है। मेरा नागपुर में चतुर्मास हो रहा था, एक बाप ने अपनी बेटी की शादी की, मालूम है बेटी का घर बसाने में बाप का घर बिक जाता है, अपने घर को गिरवी रखता है तब बेटी का घर बसाया करता है। उस बाप ने ऐसे ही किया। अरे झगड़े तो भाई भाई में हो जाते हैं, भाई बहन में हो जाते हैं, माँ बेटे में झगड़े हो जाते हैं, आप दोनों में झगड़े नहीं होते हैं? बोले नहीं, हम लोग कभी नहीं लड़ते हैं। कबीर से पूछा वो मंत्र बताओ कि हम भी अपने घर में ना झगड़े। कबीर ने कहा कि बैठो, आए हो, स्वागत है, बैठो मेरी कुटिया में। कबीर ने अपनी पत्नी को आदेश किया
के 12 बज रहे थे। कबीर ने कहा लालटेन जला के ला। पत्नी आई, लालटेन जलाई और रख दी। जिज्ञासु ने कहा पागल है क्या ये? इसीलिए झगड़े नहीं होते, लगता है कबीर तो पागल है ही, ये पत्नी महापागल है। दोपहर को 12 बजे आंगन में, खुले आंगन में इतनी धूप में लालटेन मंगा रहा है और पत्नी ने लालटेन ला के रख दी। उसने पूछा भी नहीं कि लालटेन का क्या करोगे। लाई और लालटेन रख के पत्नी चुपचाप चली गई। कबीर ने कहा उत्तर मिल गया। अरे उत्तर, पागल लग रहे हो दोनों पागल। कबीर ने कहा पागल ही समझो। कबीर ने कहा ठहर, अभी उत्तर नहीं मिला तुझे। पत्नी को कहा कि अरे भाग्यवान, दो गिलास दूध लेकर आ। पत्नी गई, दूध के दो गिलास लाई, एक कबीर के सामने रखा, एक जिज्ञासु के सामने रखा। कबीर ने दूध का गिलास उठाया, गटागट दूध पी गए और आनंद के साथ पी गए। जिज्ञासु को कहा कि तुम भी पियो। जिज्ञासु ने जैसे ही मुंह में लिया, दूध थूक दिया उसने। बोले ये दूध है क्या? ये पागलों का घर है, पागलों का। कबीर ने कहा उत्तर मिल गया। बोले ये क्या उत्तर है? इतनी पत्नी पागल है क्या? बोले क्यों? बोले दूध में नमक डाल के लाई है, शक्कर डालना चाहिए, चीनी डालना चाहिए, नमक डाल के लाई है। कबीर ने कहा उत्तर मिल गया। अरे बोले ये कोई उत्तर है क्या? कबीर ने कहा तो सुन, जाते जाते उत्तर सुन के जा। हम दोनों पति पत्नी के बीच में प्रेम है, ध्यान रखना, हम दोनों पति पत्नी के बीच में समर्पण है, हमारे बीच में तर्क नहीं है। जब मैंने 12 बजे दिन में उससे लालटेन लाने को कहा तो पत्नी ने कोई प्रश्न नहीं किया, चुपचाप लालटेन रख के चली गई। जब पत्नी लालटेन लाने पे प्रश्न नहीं करती है तो धोखे से शक्कर की जगह नमक डल गया तो मैं भी उससे कोई प्रश्न नहीं किया करता हूं। और इतना ही ध्यान रख, यदि जीवन में आनंद को जीना है तो मैं भी बारामती वाले आपसे कह रहा हूं, एक कोटेशन में आपको दे रहा हूं, जहां दिन में 4 बार आपकी नजर पड़ती हो, दुकान में, ऑफिस में, घर में, मकान में, एक लाइन लिख के रखना, जहां दिन में 1000 बार देखते हो वहां लिख के रखना, जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है और जहां तर्क है वहां नर्क है। ध्यान रखिए, जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है और जहां तर्क है वहां समर्पण से बड़ा सुख जीवन में कुछ नहीं हुआ करता है। अंधे से अंधा कहो तुरंत पड़ेगा टूट, धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई थी भूत। ध्यान रखिए, अंधे को अंधा कहोगे तो तुरंत झगड़ा हो जाएगा, अंधे को अंधा कहकर बुलाओगे तो वो नाराज हो जाएगा। और धीरे धीरे पूछ लो, हे प्रज्ञा नयन, हे सूरदास जी, बताइए तुम्हारी आंखें कैसे चली गई, तो मैं मित्र बन के तुम्हें सारा राज बताऊंगा।